खुश रहने के तरीके आप सब ने यकीनन पढ़े होंगे और सुने भी होंगे, और पढ़ने सुनने में कोई रॉकेट साइंस भी महसूस नहीं होते, मगर ये रॉकेट साइंस से ज़्यादा मुश्किल और मेहनत तलब काम है, और अमल ही जो है वो शर्त है। तो कुछ ऐसे काम हैं जिन पर अमल करके हम खुश रह सकते हैं। सबसे पहले तो ख़ुद से मोहब्बत करना है। खुश रहने का सबसे अहम असूल ख़ुद से मोहब्बत करना है। हमारी इंसानों की जो अक्सरियत है ना, वो ख़ुद से मोहब्बत करना नहीं जानती। हम दूसरों की मोहब्बत में घुल जाते हैं या फिर खुद गर्ज हो जाते हैं, जबकि ख़ुद से मोहब्बत करना म्याना रवि का नाम है। आपने खुद गर्ज नहीं बनना, मगर सब पर ख़ुद को अहमियत ज़रूर देनी है, अपनी इज्जत करनी है। जो शायद आपको दिल से खुशी ना दे रही हो और आप मुरव्वतन वो काम कर रहे हो, तो वो काम बिल्कुल नहीं करें, इनकार करना सीखें। खुद की ज़ाहरी और रूहानी शख्सियत पर तवज्जो दें। और दूसरी अहम चीज़ है आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होना, कोई ख्वाब होना। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है, कोई ख्वाब होता है, तो उसको पूरा करने के लिए आप एक रूटीन सेट करते हैं। जब आपकी ज़िंदगी बेमकसद हो या आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कोई रूटीन तय ना हो, कोई टाइम टेबल ना हो, तो आपका खुश रहना बहुत मुश्किल है। दिन का बेशतर हिस्सा काम करने में गुजारें, प्रोडक्टिव रहें। बिला वजह मसरूफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। लोगों की अक्सरियत जो है ना, वो काम किए बग़ैर मसरूफ़ होती है, और जब भी किसी एक्टिविटी में शामिल होने के लिए उनको दावत दी जाए या बात की जाए, तो एक खुद फ्रेब जुमला जो है ना, हमारे पास वक्त ही नहीं होता, ये बारहा सामने आता है। दर हकीकत वक्त किसी के पास भी नहीं ठहरता, बस आपको इस वक्त का इस्तेमाल करना आना चाहिए। और तीसरी अहम चीज़ है आपके सोने और जागने की रूटीन। आपको वक्त से सोना चाहिए और वक्त से ही आप जागें। सबसे अहम बात, आपके दिन की शुरुआत और आपके दिन का इख्तिताम, शुरुआत और इख्तिताम मोबाइल फ़ोन के साथ नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन यानी सोशल मीडिया वगैरह के साथ नहीं होना चाहिए। सोने से एक घंटा कबल और जागने के एक घंटे बाद फ़ोन इस्तेमाल करें, उससे पहले मत करें। और चौथी चीज़ है दुआ, प्रेयर यानी नमाज, मेडिटेशन। आपका ताल्लुक जिस भी मज़हब से हो या आप लामज़हब हो, ख़ुद को सुकून देने के लिए इस कायनात के साथ अपनी रूह को लाजमी जोड़ें, कनेक्ट करें, आपको अच्छा लगेगा। रीसोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का तो आपको पता है कि जिस तरह की हमारी कंपनी होती है, जिस तरह का माहौल हम देखते हैं, जिस तरह की सोसाइटी में हम मूव करते हैं, वो हमारी शख्सियत को बनाने, संवारने या बिगाड़ने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। तो उसका जो एक हल है, अगर आपकी सोशलाइजेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो और आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही हो, आपको खुश ना कर पा रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए एक तरीका होता है रीसोशलाइजेशन, कि अपने माहौल को तब्दील करना, अपने माहौल में यानी जो आपका मौजूदा माहौल है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाएँ, मस्बत माहौल में रहें, दोस्तों से मिलें, और अगर आपके दोस्त मुखलिस नहीं हैं और आपको अजियत देते हैं, तो अपने दोस्त बदल लीजिए। दोस्तों के साथ रابطे रखना बहुत ज़रूरी है, कम दोस्त बना लें मगर म्यारी दोस्त बनाएं। और छठी अहम चीज़ है माजी का रोना। माजी की जान छोड़ दें, जो होना था वो होकर गुज़र भी गया, उसकी वजह से अपना हाल ख़राब ना करें, क्योंकि हाल ख़राब हो गया तो मुस्तकबिल भी ख़राब होना ही होना है। किसी ने आपको धोखा दिया, आपका महबूब भाग गया, आपको कारोबार में नुकसान हुआ, आपके रोने और पिटना डालने से वो ठीक नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से, रोना पिटना डालने से वो ठीक नहीं होने वाला। अपने माजी से जान छुड़ाना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत सी मशकें हैं, बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप वाकई ही खुश रहना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनसे गुज़र कर आप अपने माजी से जान छुड़वा सकते हैं, बदतरीन माजी से कम अज़ कम। सातवीं चीज़ है उदासी और परेशानी की आदत। जी हाँ, उदास और परेशान रहना भी बुरी आदतों में से है, बल्कि बदतरीन आदतों में से है। ख़ुद को इस कमज़ोरी से निकालें। आप यकीनन निकाल सकते हैं, ख़ुद को 10 दिन का टारगेट देकर देखें और आप अपनी आदत पर गौर करें, और फिर
इसी आदत की वजह से अपने रवैयों और अपने अमाल, यानी आपके जो बिहेवियर्स होते हैं, बिहेवियर पैटर्न्स हैं, उन पर गौर करें। और जब आप उन पर गौर करना शुरू करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो है ना बहुत ज़्यादा मेस जो है ना, वो आपकी इन्हीं आदतों ने जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो आप खुद ब खुद इससे निकल आएंगे। और आठवीं चीज़ है उम्मीदें। जितना मुमकिन हो दूसरों से कम उम्मीदें वाबस्ता रखें। और ये दूसरे हैं ना, ये आपके बहुत अपने होते हैं, इन अपनों से कम उम्मीदें रखें। के लिए हद से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ये बहुत मुश्किल स्टेप है, बहुत मुश्किल। लेकिन अगर आप इसमें इतदाल बरतते हैं, मैना रवि इख्तियार करते हैं, तो आपके रिश्ते भी टूटने से बच जाएंगे और आप खुद भी खुश रहेंगे। और फिर आते हैं मनफी लोग। मनफी लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी मुस्बत नहीं सोच सकते, हमेशा नेगेटिव रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में अगर 9 वाक़यात अच्छे हों ना और एक बुरा हो जाए, तो वो उस बुरे वाक्यों को लेकर मनफी जज्बात की तर्जमानी हर जगह करते हुए नज़र आएंगे, हमेशा रोते ही नज़र आएंगे। ऐसे लोगों से ना आपको फासला इख्तियार करना है। ये वो कहते हैं ना, एंजाइटी इज़ वायरल। इसी तरह ना ये लोग जो है ना, ये नेगेटिविटी जो है ना, ये उसका जो वायरस है ना, वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो फैला देते हैं। ऐसे लोगों से ना जितना मुमकिन हो क्लोजनेस इख्तियार ना की जाए, एक सर्टन एक फासला जो है ना वो इख्तियार करें। अब लोग कहेंगे कि नहीं, ये इंसानियत ऐसी नहीं है, इंसानियत का तो ये काम है कि अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो आप उसकी काउंसलिंग करें और उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएँ। देखें, सारे इंसान जो है ना काउंसलिंग नहीं कर सकते, हम प्रोफेशनल नहीं हैं। अगर हम खुद को ही बचा नहीं सकेंगे उसकी नेगेटिविटी से, तो उसको क्या ठीक करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप खुद पॉजिटिव रहें, उससे थोड़ा फासला इख्तियार करें और उसको थोड़ा सा गाइड ज़रूर कर दें कि आप जो है ना वो कोई काउंसलिंग वगैरह लें। अच्छा, और फिर है दूसरों के बारे में सोचना, ये बिल्कुल छोड़ दें। कौन क्या करता है, उसका मज़हब क्या है, उसके तौर तरीके क्या हैं, अगर आपने उसका रिश्ता नहीं लेना तो उसकी परवाह करना छोड़ दें। ऐसे लोगों से किनारा किसी भी इख्तियार करें जो हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं, जो जिनके पास बात करने के लिए मौजूदात नहीं होते बल्कि लोगों की ऐप जो ही करते हुए नज़र आएंगे। ये लोग जो है ना आपको नखुश कर देंगे। फिर आता है ख़ुद को वक्त देना। काम से और दोस्तों से हट के खुद के लिए अलग से वक्त निकालें। कोई किताब पढ़ लें, कोई फिल्म देखें, या ख़ुद कलामी करें। आप वॉक पे जा सकते हैं, मगर बहुत से रास्ते हैं, मगर ख़ुद के लिए वक्त ज़रूर निकालें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हम जिस दौर में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के बगैर तो हमें सांस भी नहीं आती। अगर सोशल मीडिया हमने इस्तेमाल करना है तो ज़ाहिर बात है इसके कुछ फ़वाद भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो हमें अपने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है ना, उसको सस्टेनेबल बनाना है। हमें सोशल मीडिया डिटॉक्स सीखना है कि हमने सोशल मीडिया से मस्बत चीज़ें सीखनी है और मनफी चीज़ों से कैसे बचना है। और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि सारा सारा दिन जो है हमें सोशल मीडिया पर आवारा गर्दी नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया को भी एक मखसूस वक्त दें और मस्बत लोगों के साथ नाता रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपको एक रेंडम सर्फिंग होती है सोशल मीडिया की, उसको उस पर अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय आपको स्पेसिफ़िक रहना है। हमें दूसरों के बारे में तो नहीं सोचना, लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा अपना रवैया कैसा होना चाहिए। दूसरों के बारे में हमने गॉसिपिंग नहीं करनी, लेकिन दूसरों के साथ हमें बातचीत करना पड़ती है, उठना बैठना पड़ता है, तो उसके लिए जो हमारा रवैया होता है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी शख्सियत में, हमारी खुशी और उदासी में। तो लोगों के साथ आपका जो रवैया है वो अच्छा और मेहरबान होना चाहिए। आपका लेन देन और रख रखाव उतना ही उनके साथ होना चाहिए जितना उनका आपके साथ होता है। लोगों को उसी हिसाब से तरजीह दें। आप लोगों के साथ एक हद तक जो है ना वो अपना लेन देन रखें। जब आप एक हद से बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी उम्मीदें भी दूसरों से बढ़ जाती हैं। जब वो पूरी नहीं करते तो फिर जो है वो आप उदास होते हैं, आपको जो है गुस्सा आता है, आपके रिश्ते भी ख़राब होते हैं। तो बस एक लिमिट में रहना है। और सबसे आखिर में है खुशी की आदत। खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीज़ों और कामों में खुशी तलाश करनी आनी चाहिए। ये भी एक फ़न है, और अगर आपको ये फ़न नहीं आता तो थोड़े वक्त के लिए खुद पे ज़बरदस्ती करके देखें, फिर आपको खुश रहने की जो है ना वो आदत हो जाएगी, थोड़े वक्त के लिए, ज़्यादा नहीं। खुश रहने के हज़ारह तरीके हैं, मगर ये तभी कारआमद होंगे जब आप वाकई ख़ुद को ठीक करना चाहेंगे, जब आप मसले पे रोने की बजाय उसके हल पर काम करना चाहेंगे। और सबसे बढ़कर नहीं वाले जुमले, नए शेयर नहीं बनना आपको, उनसे आप जान छुड़वा लेंगे। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। यकीनन आप सब कुछ कर सकते हैं, बस अगर आप करना चाहें तो। बाहर से किसी मसीहा ने आपकी मसीहाई नहीं करनी, आपने खुद ही खुद को ठीक करना है।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।